आर्टिस्ट साहब, आप हम सबको अपनी लेटेस्ट पेंटिंग के बारे में कुछ बताएं। लेटेस्ट पेंटिंग, इससे पहले अभी आपने देखी कि हमारा बाय चांस एक्सीडेंट हो गया था, तो साल भर तो हमने करीब कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो पेंटिंग नहीं की, लेकिन हम रेगुलर स्केच और वीडियो पे कुछ ना कुछ काम करते रहे डेली। फिर हमने थोड़ी मेहनत की, 8 महीने के बाद तो जनवरी में हमने चार पेंट, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर 3 महीने में मैंने उसी जो फ्रैक्चर था हाथ में, उसी से मैंने काम किया और बड़ी तकलीफ की पेंटिंग बनी है। अगर इसको गहराई से देखा जाए तो मेरी इसमें दर्द, तकलीफ सब कुछ नज़र आएगी। हमारी एक टेक्निक भी बदल गई, हमने अपने मैसेज को बनाने की कोशिश की कैनवास में, रंग में डालने की, मैसेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी हमने, बनस्बत टेक्निक को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसमें हमने बहुत रफ वर्क किया है, लेकिन कुछ कहने की कोशिश की है। कहीं कहीं पर हम हाथ हमारा हिला तो हमने मार्कर का इस्तेमाल किया, ब्लैक आउटलाइन का, क्योंकि मैसेज में किसी भी तरह का कोई माध्यम, कोई मीडियम, कोई टेक्निक यूज़ की जा सकती है, लेकिन असली चीज़ है, अभी उससे पहले हमने बताया था कि मैसेज। तो हमारा मानना है कि हम इस तकलीफ के दरमियान जो हमारे सामने से चीज़ें गुजरी, जो हमने महसूस किया, वो एक फैमिली का होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए एक हाथ में सर्जरी हुई थी और उससे हमें कामकाज करना, अपनी लाइफ, टोटल लाइफ को आगे बढ़ाना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक पेंटिंग हमने स्केच की, उसके बाद इसमें रंग भी भरने की कोशिश की, ये भाम इसका नाम रखा है। इवाम का मतलब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मिस्ट्री। हमारी पूरी ज़िंदगी एक मिस्ट्री है, हम तरह तरह के आंकड़े फिट करते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हम जिंदा है, लेकिन हम जब ज़िंदगी के उस दौर से गुजरते हैं जहाँ पे एक औरत की बात आती है, तो इसमें हमने दिखाया है कि एक औरत एक महल के अंदर कैद रहती है, चारों तरफ महल है, एक पिंजरा है, उसके अंदर एक औरत है और एक सपोर्टर भी है और एक डेड बॉडी पड़ी है जो कफन में लिपटी हुई है, लेकिन आंखें खुली हुई हैं। औरत जिस दिन से, बच्ची जिस दिन से पैदा होती है, उस दिन से उसकी ज़िंदगी इसी तरह हो जाती है जो हमारी पेंटिंग में बनी हुई है। वहशत से ज़िंदगी गुजारती है और वही सृष्टि है, वही दिया है घर का, वही रोशनी है, वही जीवन देती है, लेकिन उसका जीवन कफन में लिपटा ही होता है। वो इतना लंबा सफ़र करते 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 एक दिन, और ये एक मज़हब में नहीं है, ये मैं पूरे वर्ल्ड की दुनिया के जितने मज़हब हैं, मैं एक औरत की बात कर रहा हूँ, औरत की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, चाहे किस कास्ट की हो, चाहे किस मुल्क की हो, एक जैसी उसकी लाइफ है, वो है सेकेंडरी लाइफ, जो समाज उसको फर्स्ट में रखना चाहिए उसको सेकंड में रखता है। वो ही सृष्टि है, जिस प्रकार एक सूरज को हम दिया दिखाते हैं, सूरज अगर घर में रोशनी नहीं है तो घर अंधेरा है, इसी प्रकार सृष्टि में अगर सूरज नहीं है तो जीवन का अंत है, कम जीवन, वहाँ से कुछ नहीं होता है। औरत का मुकाम मैंने उसी जगह पर रखा है जहाँ पर वो अपने जिस्म को जला करके, अपने आने वाले कल अपने बच्चे को दूध पिला करके एक नया चिराग जला देती है, उन महलों में जहाँ अंधेरा होता है, दिया बुझा होता है, उसके अंदर एक रोशनी पैदा कर देती है। ये एक सर्किल है जो ब्लैक है, इधर एक दिया जलता है, वो अपने दूध से, अपने मोहब्बत से, अपने मेहनत से, अपने मतलब कर्मों द्वारा, यूँ कहा जाए कि वो अपने को समाज के लिए समर्पित कर देती है और एक जल बुझते हुए दिया को नई रोशनी दे देती है। इस तरह की इसमें फ्रांसी है पूरी,
और अगर इसके अंदर बहुत हम जाएंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, दिखला भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि तो पेंटिंग का कोई अंत नहीं है। उसमें आर्ट क्रिएटिव के लिए एक मैसेज मिल जाता है, वो हमसे अच्छा लिख देगा, वो हमसे अच्छा बोल भी देगा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी होती है और बनाना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ बोलना थोड़ा सा कठिन पड़ता है।